हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैट्सबी हेयर स्टाइलिंग जेल के बारे में, और मैं देने वाला हूँ इसकी पूरी जानकारी। तो वीडियो में बने रहिए, मैं सारे कुछ डिटेल्स की बताने वाला हूँ कि ये इसका MRP क्या है, कितने क्वान्टिटी में आता है, सारी कुछ चीज़ें। और उस साथ ही मैं आपको जो मेन इसका जो काम है, होल्डिंग, कितने घंटे तक ये बालों को होल्डिंग रखता है, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है हेयर जेल के लिए। तो मैं ये भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। अगर चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। तो गाइस, कुछ इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाती है, जो इसकी पैकेजिंग है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी होल्ड के लिए आप प्रॉपरली इजीली होल्ड भी इसको कर सकते हो। और इस तरह से इसका पैकेजिंग है, और इसका जो नेट क्वांटिटी है वो 75 ग्राम मिलेगा आपको, और इसका जो MRP है दोस्तों वो है 80 रुपीज़, 80 रुपये में आपको ये अवेलेबल होने वाला है। साथ ही आप इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो एक बार इंग्रेडिएंट्स पे आप एक पॉज करके प्रॉपरली पढ़ लीजिए। और साथ में ये जो प्रोडक्ट दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग हुआ है इंडोनेशिया में, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हुआ है गाइस। उसके बाद ये जेल का जो होल्डिंग लेवल है वो 2 है, और सॉफ्ट है ये हेयर जेल। उसके बाद आप जैसे ब्रांडिंग देख सकते हो गैट्स पे वाटर ग्लॉस, तो एक थोड़ा ये वाटरी जेल जैसा है, इसके लिए इसको वाटर ग्लॉस हेयर जेल कहा जाता है। ठीक है गाइस, इस तरह से ऊपर आपको ये एक गैट्सबी की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है उसके कैप के ऊपर। ठीक है, तो हम अभी क्या करते हैं कि ये हेयर जेल ओपन करके अंदर से भी देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको इसके पैकेजिंग देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, मैंने कुछ इसको 15-20 दिन इसको यूज़ किया है, तो आप देख पा रहे होगे तो इस तरह से। और ये रहा हेयर जेल इस तरह से, तो गाइस एक नॉन स्टिकी हेयर जेल है, आप जैसे देख पा रहे होगे तो। ठीक है गाइस, और गाइस मेरी सलाह रहेगी कि आप ये हेयर जेल है ओकेजनली यूज़ कीजिए, मतलब डेली बेसिस पे मत यूज कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ हार्मफुल केमिकल यूज़ किए गए हैं, तो इसके चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी बात आते हैं इसके होल्डिंग पावर पे। तो दोस्तों, मैंने कुछ इसको 15 से 20 दिन इसको यूज़ किया है, और देखो सबसे जो मेन काम है हेयर जेल का होल्डिंग है, तो तकरीबन मुझे ये 3 या 4 घंटे तक इसका होल्डिंग रहता है। मतलब आपको बाल सेट करने के बाद आप कपड़े बाहर घूमते हो, तो उसके बाद ये जो जेल है आपके बालों को स्टाइलिंग तो देता है, बट 3 या 4 घंटे तक ही होल्डिंग रखता है। बाद में आपके बाल थोड़े रुके सूखे हो जाते हैं। अगर आप कोई ऑफिशियली काम करते हो, ऑफिस में काम करते हो, तो मेरे हिसाब से आपको ये 4 या 5 घंटे तक अच्छी होल्डिंग दे सकता है। बट अगर आप बाइक पे घूमते हो, बाहर आपका घूमना ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से आपको 3 या 4 घंटे तक या 3 घंटे तक आप कह सकते हो तो इसकी होल्डिंग पावर है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।